हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बादाम शेक, जिसके लिए हमने बादाम लिया है 100 ग्राम। तो सबसे पहले हम जो है स्टोव ऑन करेंगे और दूध को हम गर्म करेंगे। तो हमने दूध लिया है 1 लीटर। चलिए हम आगे के प्रोसेस आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बादाम को जो है हल्के पानी में बॉयल कर लेंगे और इसका जो है छिलका निकाल लेंगे। तो गाइस, हमने लिया है 1 लीटर दूध, जो हम इसको पहले पतीले में ऐड कर देंगे। तो गाइस, इसको हम आधा घंटा जो है उबालेंगे दूध को अच्छी तरह, उसके बाद हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। तो गाइस देखिए, दूध जो है जल के आधा हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो है बादाम का पेस्ट, जो हमने शुरू में जो दिखाया था बादाम, उसका हमने पेस्ट बना लिया है, वो उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें हमने ऐड कर दिया बादाम को, अब इसको 15 मिनट वापस पकाएंगे और अब हम ऐड कर देंगे शक्कर को भी। तो आधा कप हमने शक्कर लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे पकाएंगे जो है 15 मिनट तक। तो गाइस, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो है कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच, जो हमने घोला था। इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे हम। तो गाइस, हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें जाफरान, तब इसका कलर जो है हल्का येलो हो जाएगा। तो गाइस, सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है, अब 2-3 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम इसको फिर सर्व करेंगे। अगर हम इसको फ्रिज में रख देंगे तो और ये गाढ़ा होगा, गाढ़ा तो है लेकिन एकदम गाढ़ा हो जाएगा जब हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डाले ना हल्का सा, इसकी वजह से। तो गाइस, फाइनली बादाम शेक हो चुका है रेडी। तो हम करते हैं इसका डिश आउट। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइए। तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।